फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे खुपू। फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस, जो कि फ्रेंड्स बनाने में बहुत ही ईजी है, देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाला नेट का फैब्रिक लिया है, ये वाइट कलर का और ग्रीन कलर का। तो देखिए मैंने ये एक पट्टी, देखिए वाइट कलर की नेट फैब्रिक की, वाइट वाले कलर की, ये लगभग 5 इंच की कट कर ली है। और देखिए ये वाली मैंने लगभग 3 इंच की पट्टी कट कर ली है, 3 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। और इनकी लेंथ मैंने लगभग 40 इंच रखी है। तो देखिए अब इस तरह से हम ये वाइट कलर सबसे पहले ले लेंगे, और देखिए इसमें इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हम पूरे फैब्रिक पे प्लेट्स डाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इनमें एक साथ प्लेट नहीं डालेंगे, हम अलग अलग डालेंगे। देखिए पहले हम वाइट पे लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम ग्रीन वाले फैब्रिक पे भी इसी तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। तो देखिए हमने दोनों फैब्रिक पे प्लेट्स डाल ली हैं। अब देखिए हमें इनको इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए, देखिए मिला के इस तरह से इनको एक के ऊपर एक रखते हुए, और इन पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है इनमें। अब देखिए नेफा के लिए हम इसमें ये हमने ये वाला फैब्रिक लिया है, इसकी हम लगभग 1 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर लेंगे। थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि हमें बांधने के लिए भी हो जाए। तो देखिए मैंने ये पट्टी कट कर ली है। अब देखिए हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके और इसको देखिए इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकाल देंगे हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये बाहर निकाल देंगे। और देखिए इस तरह से रख के और एक सिलाई लगा लेंगे पूरे पे, और फिर उसके बाद इसको इस तरह से पलट के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये लगा ली है, और इस तरह से ये घेर बन के गोपाल जी की पोशाक का तैयार हो गया है। अब हम चोली बनाएंगे। तो देखिए मैं चोली इसमें कुछ डिफरेंट स्टाइल की बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए मैंने ये एक वाइट कलर का ये फैब्रिक की पट्टी ले ली है, ये लगभग 2 इंच चौड़ी है, और ये ग्रीन कलर की ये लगभग 1 इंच चौड़ी है। अब देखिए हम इस पर वाइट कलर के फैब्रिक पे देखिए इस तरह से प्लेट्स डालेंगे, देखिए ऐसे, और बीच में सिलाई लगाएंगे हम, बीच में देखिए इस तरह से ऐसे रख लेंगे और प्लेट्स डालेंगे एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए। और बीच में सिलाई लगाएंगे हम, किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे। और इसी तरह से हम देखिए इसी तरह ये बीच में सिलाई लगाएंगे, और इसी तरह से हम ग्रीन वाले में भी कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों फैब्रिक पे ये प्लेट्स लगा ली हैं। अब देखिए हम इनको इस तरह से बीच में एक के ऊपर एक रख के और बीच में एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये सिलाई दिखाई दे रही है तो ये अच्छी नहीं लग रही है। तो देखिए इसके लिए देखिए ये मैंने वाइट कलर की ये कॉटन वाली लेस ली है, तो इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी, तो हम इसको लगा देंगे। तो देखिए हमने इस तरह से ये बना ली है। अब देखिए हम इसे घेरे में अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसको, तो हम इसे थोड़ा सा तिरछा रख के अटैच करेंगे, थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, एकदम सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा तिरछा रखेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने ये अटैच कर ली है चोली। अब देखिए जब हम, और देखिए हमने यहाँ भी ये वाली लेस लगा दी है, तो इससे थोड़ी
फिनिशिंग आ गई है और थोड़ी सुंदरता हो गई है इसकी। आप देखिए हम इस तरह से जब लड्डू गोपाल जी को इसे पहनाएंगे, लेस सीधी कर लेते हैं ये। अब देखिए हम इस तरह से इसको लड्डू गोपाल जी की ये एक शोल्डर पे आएगी और एक शोल्डर स्लीवलेस रहेगा और केवल ये एक शोल्डर पे आएगी, तो इस तरह से ये बिल्कुल वेस्टर्न लुक आएगा और ये बहुत प्यारी ड्रेस लगेगी फ्रेंड्स। ये गोपाल जी को पहनाने पे बहुत ही सुंदर लगेगी, देखिए इस तरह से। तो देखिए ये पोशाक तो बन के तैयार हो गई है, अब हम एक छोटी सी कैप बनाएंगे, देखिए इस तरह से हो जाएगी। तो चलिए इसकी मैचिंग की एक हम छोटी सी कैप, एक हैट की तरह ये बना लेते हैं। तो देखिए हमने ये वाला ग्रीन वाला फैब्रिक, ये लगभग 2 इंच चौड़ा है और 7 इंच लंबा है, तो ये ले लिया है हमने। और इसी तरह से देखिए ये वाइट वाला फैब्रिक भी लिया है, इसकी लेंथ हमने बहुत ज़्यादा रखी है क्योंकि अभी हमें इसमें प्लेट्स डालनी है और इसकी चौड़ाई भी 2 इंच है। तो देखिए हमने इसे अब डबल कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे किनारे पे। और उसके बाद देखिए हम इस वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसमें प्लेट्स डालेंगे, देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए प्लेट्स डाल लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये प्लेट्स डाल ली हैं इसमें। अब देखिए हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे। और देखिए सिलाई लगाने के साथ साथ हम यहाँ पे ये एक लेस भी लगा देंगे इस पर। तो देखिए इस तरह से हमने ये लेस लगा ली है। अब हम देखिए हमको ये लड्डू गोपाल जी की गोलाई की सर की गोलाई के हिसाब से मैंने ये बॉटल ले ली है, आप उनको डायरेक्टली भी नाप सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें नाप लेके अब यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब ये एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देते हैं। देखिए अब हमने एक सुई धागा लिया है, अब यहाँ इसमें हम चारों तरफ इसके गोलाई में कच्चे टांके लगाएंगे। देखिए अब इसको हमने टांके लगा लिए हैं, अब इसे हम खींच देंगे और टाइट करके इसे पक्का करके धागे को कट कर देंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने सीधा कर लिया है और ये कितनी प्यारी सी कैप कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई है, ये बिल्कुल एक हैट की तरह लगेगी है लड्डू गोपाल जी के ऊपर। तो देखिए हम इन्हें इसे इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे और इसकी फ्रिल देखिए इस तरह से ये उठी हुई आएगी, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी प्यारी सी कितनी ब्यूटीफुल सी कैप कितनी जल्दी बन के तैयार हो गई और ये पोशाक भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इसमें गोपाल जी का बिल्कुल एक वेस्टर्न लुक आएगा। इसे मैं आपको अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये पोशाक तो बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स, और आपको मेरे वीडियोज़ बनाए हुए वीडियोज़ कैसे लगते हैं फ्रेंड्स बताइएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की एक ब्यूटीफुल सी पोशाक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा।